हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली नई वैकेंसीज़ के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इन वैकेंसीज़ की, तो ये वैकेंसीज़ हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022 और स्पेशल नोट यहाँ पे दिया गया है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2020 11 दिसंबर 2020 को जिसकी एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी, उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हैं अपनी एडिशनल जो अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव की है ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग पीरियड बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो जो है अपने एडिशनल अचीवमेंट्स अगर कुछ उन्होंने की है तो वो जो है ये सेंड कर सकते हैं। बाकी इनको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये डिटेल जो है इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो ये वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आपको इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी होगी वो पे करनी होगी इन शेप ऑफ बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक नौनी सोलन 173230 हिमाचल प्रदेश, और ये पेएबल होगा टू द कंट्रोलर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन, और एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए रिक्रूटमेंट ब्रांच OO द रजिस्ट्रार डॉक्टर YS परमार UHF नौनी सोलन। लास्ट डेट रहेगी 30 जून 2022 और ट्राइबल एरियाज़ के लिए रहेगी 7 जुलाई 2022 की। वैकेंसीज़ की बात करें तो पहली जो वैकेंसी है वो है प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, एक वैकेंसी है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे उनकी अगर बात करें और उसमें आपको 30,600 पर मंथ फिक्स्ड जो है पे किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट एक वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर रिमोट सेंसिंग और इन्वायरमेंटल साइंस एक वैकेंसी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बॉटनी एक वैकेंसी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एक वैकेंसी, एनिमल साइंस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन वेटनरी साइंस एक वैकेंसी, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग एक वैकेंसी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी एक, एंटोमोलॉजी एक, एग्रोफॉरेस्ट्री यहाँ पे वैकेंसीज हैं 2, सिल्विकल्चर 3 वैकेंसीज, ट्री इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज 4, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 3, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, रूरल सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी 2 वैकेंसीज, बायोटेक्नोलॉजी 2 वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस 1, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी। इस तरह से टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं यहाँ पे 29 वैकेंसीज। क्वालिफिकेशन जो पोस्ट है सीरियल नंबर 1 पे, जो सबसे पहले मैंने बताई थी आपको, PhD की डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का टीचिंग और रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सपीरियंस जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो एविडेंस्ड किया जाए पब्लिकेशंस के द्वारा आर्टिकल्स के द्वारा इन अ जर्नल ऑफ रिप्यूट, एबिलिटी होनी चाहिए प्रोवाइड लीडरशिप टू द डिपार्टमेंट। बाकी जो वैकेंसीज हैं एक सीरियल नंबर 7 को छोड़ के, उनके लिए PhD डिग्री होनी चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन की, और इसमें साथ ही साथ बताया गया है जो SC/ST स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 5% रिलैक्सेशन रहेगा एट मास्टर्स लेवल, और जो 5% का रिलैक्सेशन होगा वो होगा PhD डिग्री होल्डर्स जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री प्रायर टू सितंबर 1991 की हुई है। साथ ही साथ बाकी डिटेल आप जो ये एडवर्टीजमेंट है यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं yspuniversity.ac.in पे आपको ये पूरी जानकारी जो है इसकी PDF मिल जाएगी। और जो सीरियल नंबर 7 पे थी जो वैकेंसी, उसके लिए PhD डिग्री की होनी चाहिए फूड इंजीनियरिंग और प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर, रिलैक्सेबल रहेगी MTech इन फूड इंजीनियरिंग। और साथ ही साथ जो मैंने पहले ब्रांचेस बताई वो उसी में साथ ही बताया गया है। और जो सीरियल नंबर 19 पे है उसके लिए आपका क्वालिफाइड होना चाहिए नेशनल लेवल टेस्ट जो कंडक्टेड किया गया हो इसी पर्पज़ के लिए UGC के द्वारा या फिर किसी अदर एजेंसी के द्वारा, मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन
और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। रिलैक्सेबल रहेगा 5% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1200 फीस, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली, तो यहाँ पे ₹300 इनके लिए फ़ीस रहेगी। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, तो ₹300, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी ₹300 फीस इसमें आपकी डिडक्ट की जाएगी। सो इतना था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।